हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आज मैं शेयर करने वाली हूँ आपके पास कुछ रेसिपी। तो चलिए शुरू करते हैं और चलते हैं किचन में। तो आज हम बनाएंगे गोभी मंचूरियन की रेसिपी। यहाँ पर हमने सिरका ले लिया है, गोभी ले ली है, कॉर्नफ्लावर ले लिया है, प्याज और हरी मिर्च ले ली है और केचप ले लिया है। तो ये सारे सामान यूज़ होंगे। और अब काटेंगे हम प्याज, और प्याज काटेंगे बारीक बारीक। और उसके बाद हम जो है यहाँ पर गोभी कस लेंगे। गोभी हमने कस ली है और अब हम जो डालेंगे हरी मिर्च, कॉर्नफ्लावर और उसमें डालेंगे प्याज, हल्दी, गरम मसाला, लाल मिर्च, नमक और आपस में अच्छे से मिला लेंगे। फिर छोटी छोटी बॉल बनाएंगे गोभी मंचूरियन की और उसके बाद फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर सारी गोभी मंचूरियन रेडी हो गई हैं, रिफाइंड भी गर्म हो गया है। तो चलिए बॉल को डालकर हल्के से ब्राउन कर लेंगे, उसके बाद यहाँ पर इन्हें निकाल लेंगे। तो अब लगाते हैं तड़का। यहाँ पर हमने तेल डाल दिया है, जीरा डाल दिया है, प्याज डाल दिए हैं, कड़ी पत्ता डाल दिए हैं और इसमें सिरका और केचप डाल दिया है, लाल मिर्च, नमक, गर्म मसाला और उसके बाद यहाँ पर कॉर्नफ्लावर को अच्छे से पानी में डालकर अच्छे से फेंट लेंगे। उसके बाद यहाँ पर कॉर्नफ्लावर भी डाल दिया है। इससे बहुत ही बढ़िया रेसिपी बन जाती है हमारी। तो कॉर्नफ्लावर बहुत ज़रूरी है इस रेसिपी के लिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं अब डाल देंगे अपनी गोभी मंचूरियन। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी हमारी गोभी मंचूरियन की ये वीडियो और कितने प्यारी और कितनी बढ़िया टेस्टी सब्जी बनकर तैयार हो गई है। तो बच्चों को बहुत पसंद आई और बहुत ही अच्छी लगी। तो फ्रेंड्स, गोभी मंचूरियन की रेसिपी हो गई रेडी। तो चलिए खाकर दिखाते हैं। तो यहाँ पर बहुत ही स्वादिष्ट लगी बच्चों को, तो बनाइए, खाइए और बच्चों को भी खिलाइए। तो चलिए फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स मेरी दूसरी रेसिपी है करेला की। तो करेला मैंने आधी किलो करेला ले लिए हैं, आधी किलो प्याज ले लिए हैं, उसमें मैंने नमक लगाकर आए एक घंटे के लिए छोड़ दिए हैं और अच्छे से इन्हें मसल मसल कर धोएंगे 4 बार। और यहाँ पर मैंने तेल गरम कर लिया है, उसमें सौंफ डाल दी है, प्याज डाल दी है आधी किलो और इन्हें फ्राई कर लेंगे। इसमें मैंने हल्दी, लाल मिर्च, नमक और धनिया पाउडर डाल दिया है, अच्छे से निचोड़ कर मैंने करेला भी डाल दी है। तो इस तरह करेला होते हैं तैयार और बहुत ही अच्छे और स्वादिष्ट लगते हैं सबको। तो यहाँ पर मैंने पानी डाल दिया है और इसे पकने देते हैं आधे घंटे के लिए। तो फ्रेंड्स, मेरा तीसरा तरीका दही जमाने का, किस तरह दही जमाते हैं। यहाँ पर मैंने 1 किलो दूध ले लिया है, उस पर देखिए घी आ रहा है क्योंकि गर्मी हो रही है। यहाँ पर मैंने मटका ले लिया है, उसमें मैं दूध डाल रही हूँ। आप चाहे तो कच्चे दूध की घी भी जमा सकते हैं। यहाँ पर मैंने 1 चम्मच के करीब जामुन डाल दिया है और उसे अच्छे से चला लेंगे और उसके बाद उसे ढक देंगे। तो अगले दिन आपकी दही जमकर हो गई रेडी। तो चलिए, बच्चों के लिए बहुत ही अच्छी लगती है, गर्मी के मौसम में ज़रूर खानी चाहिए। तो चलिए, इस तरह ही आप दही जमा सकते हैं। यहाँ पर मैंने खाना भी रेडी कर दिया है और बच्चों के लिए दही भी। तो फ्रेंड्स, मेरी अगली रेसिपी है ब्रेड पिज़्ज़ा बनाने की। और चाय के साथ ब्रेड पिज़्ज़ा बहुत अच्छे लगते हैं, तो आसानी से बन जाते हैं। यहाँ पर मैंने प्याज कट कर लिए हैं, सोयाबीन की मंगौड़ी ले ली है, हरी मिर्च डाल ली है और सोयाबीन की मंगौड़ी मैंने पहले भिगो ली थी पानी में। इसके साथ साथ हमने यहाँ पर कच्ची केला हल्की सी फ्राई कर ली है और उन्हें भी डाल देंगे। यहाँ पर मैं सारे मसाले ले लिए हैं, हल्दी, नमक, धनिया पाउडर, कस्तूरी मेथी और यहाँ पर ले लिए मैंने हरी सॉस और ये है हमारा पनीर, इसे कस लेंगे। खट्टी मीठी सॉस बहुत ही अच्छी लगती है और यहाँ पर ले लिया मैंने पनीर। तो पनीर डालकर बच्चों के लिए नाश्ता हो जाएगा रेडी। यहाँ पर मैंने केचप भी डाल दिया है। तो चलिए, दोपहर का नाश्ता हो गया रेडी और अब इसे रख देते हैं ओवन में। और यहाँ पर मैंने कड़ी पत्ता भी डाल दिया है क्योंकि कड़ी पत्ता भी अच्छा लगता है, उसकी खुशबू कितनी प्यारी लगती है। यहाँ पर मैंने पहले से ही ओवन गर्म जो है कर रखा था, उसमें हमने यहाँ पर रख देंगे 15 मिनट के लिए। तो यहाँ पर हमारे ब्रेड पिज़्ज़ा बनकर हो गए तैयार और बच्चों के लिए नाश्ता हो गया रेडी। तो इसी तरह आप भी बना सकते हैं और खा सकते हैं झटपट बनाने वाली ये रेसिपी। तो देख सकते हैं बहुत ही स्वादिष्ट लगी बच्चों को, हमने भी खाई चाय के साथ। तो आप भी आइए खाइए। तो फ्रेंड्स, बनाना रखी हैं तो मैंने सोचा बच्चों के लिए बनाना शेक बना देती हूँ। तो चलिए करती हूँ शुरू वीडियो को। और बनाना मैंने सारी काट ली है, मिक्सी में जार में डाल दी है और यहाँ पर 1 गिलास दूध डाल दिया है, ठंडा वाला चिल्ड, और इसमें डाल दी है स्वाद अनुसार चीनी। उसके बाद हम मिक्सी को चला देंगे। और फ्रेंड्स, बच्चों को बहुत पसंद आता है जूस, तो जूस देखिए फटाफट हो जाता है रेडी घर पर ही। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मेरे पास सौंफ के फ्लेवर रखे थे, चॉकलेट रखी थी, तो गार्निश के लिए मैंने वो भी डाल दिए। तो हम सब के लिए बनाना शेक हो गया रेडी, बच्चे भी बहुत खुश हो गए पीकर। और चलिए फ्रेंड्स, वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना। यहाँ पर मेरे पास आम रखे थे, वो भी मैंने कट कर लिए हैं, बच्चे खाएंगे तो बहुत अच्छे लगेंगे। तो चलिए, सबके लिए हो गया बनाना शेक रेडी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, नए तो चैनल पर सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर जरूर करें फ्रेंड्स।